मंबो जंबो किड्स चैनल में आपका स्वागत है। सिंड्रेला, ये लो जो और मुझे पास कर दो। ठीक है, ये लो। अरे जो, इस बॉल को ठीक से पास करो। माफ करना मो, अभी तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। क्या तुमने देखा? हाँ, वो क्या है? चलो चल के देखते हैं। नहीं जो, मुझे सही नहीं लग रहा। हम उस गड्ढे में नहीं जाएंगे, बस देखेंगे आ जाएंगे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ सही बोला, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे जो, ये क्या हो रहा है हमें? अपना हाथ मुझे दो। जो, ये क्या हो गया हमें? हम कहाँ हैं? नहीं पता मो, अब हम क्या करेंगे? सिंड्रेला। हाँ माँ, बस एक मिनट। सिंड्रेला, कहाँ थी तुम? हमारा नाश्ता कहाँ है? ये आलसी जरूर अपने कमरे में कहीं सो रही होगी, है कि नहीं? मैं बोल रही हूँ माँ, इसको कमरा नहीं देना चाहिए था, गलती कर दी। लड़कियों, सिंड्रेला तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नाश्ता क्या अपने आप बन जाएगा? हाँ माँ, बन गया है, मैं लेके आती हूँ। सिंड्रेला, ये टेबल साफ करो। हाँ माँ। ये मेरे कपड़े हैं, याद से हमारे आने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर देना। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, हम बाजार तक जा रहे हैं। तुमको इससे क्या मतलब? अपना काम करो, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये जूते लो और इनको तब तक पॉलिश करो जब तक इसमें तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं देती। ठीक है माँ, दरअसल बाजार से कुछ सब्जियाँ चाहिए थी। मैंने सोचा अगर आप लोग जा रहे हो तो कुछ चीजें और सब्जियाँ ले आते। ओह, हमारी सिंड्रेला सोच भी सकती है। और तुम पूरा दिन क्या करने का सोच रही हो? क्या बस बैठी रहोगी? तुम अपने आप बाजार जाओ और सब्जियाँ लेकर आओ, हमारे लौटने से पहले खाना तैयार चाहिए। ठीक है माँ। छोटी चिड़िया, कैसी हो आज? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ओह, वो वहाँ हैं। काश मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते, पर वो नहीं हैं। वो लोग वहाँ हैं। चलो, मुझे जल्दी जाना चाहिए, आज बहुत काम है। राजा और रानी अपने बेटे राजकुमार की सबसे जान पहचान कराने के लिए नृत्य भोज रख रहे हैं। सबको आमंत्रण दिया गया है और राजकुमार आज अपनी राजकुमारी को उन्हीं मेहमानों में से पसंद करेंगे जो आज रात शाही नृत्य भोज में आएंगी। आप सबका बाजार जाना कैसा रहा? माँ खाना खा लीजिए ताकि हम नित्य भोज जाने से पहले आराम कर ले। हम? क्या मतलब है हम? तुमको ये तो नहीं लगता कि तुम नित्य भोज में हमारे साथ जाओगी? सोचो सिंड्रेला, नित्य भोज में। सिंड्रेला, क्या तुमने कभी नृत्य किया है?
इसको लगता है कि राजकुमार इसको शादी के लिए चुनकर अपनी राजकुमारी बनाएगा। तुम यहाँ रहकर घर की सफाई करोगी। माँ, मैंने सारा काम कर लिया है, घर की सफाई भी कर दी। क्या मैं भी नित्य भोज में चलूं? मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, बहनों के पुराने कपड़े पहन लूंगी। मेरा मूड मत खराब करो बुद्धू लड़की, मैंने तुम्हें बोल दिया है तुम घर पर रहोगी। और हमारे कपड़े मत छूना। मम्मी, पापा, काश आप लोग यहाँ होते। मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ। चलो, तुमको नित्य भोज के लिए तैयार करती हूँ। मैं नहीं हो सकती, ना समय है ना कुछ पहनने के लिए है। उसकी चिंता मत करो, तुम बस एक बड़ा सा कद्दू ले आओ, 4 सफेद चूहे, 2 छिपकलियाँ। ठीक है परिमा। बहुत अच्छे बेटा, सब वहां रख दो, वक्त है तुम्हें वस्त्र बनाने का। अब तुम तैयार हो शाही नित्य भोज के लिए, बस ये जूते बदलने हैं। ये बहुत सुंदर है परिमा, धन्यवाद, मगर मैं महल तक कैसे पहुंचूंगी? तुम्हारे जूहे दोस्त तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। ये बहुत सुंदर है परिमा, कैसे आपको धन्यवाद करूं? कोई नहीं बेटा, अब जाओ और मजे करो। बस याद रखना, ये जादू आधी रात 12 बजे तक है, उसके बाद सब जैसा था वैसा हो जाएगा, उससे पहले आ जाना। समझ गई ना? हाँ परिमा, मैं याद रखूंगी। मोहतरमा, क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? जी हाँ राजकुमार, ये मेरी खुशनसीबी है। कौन है वो सुंदर लड़की जिसको वो सब लोग देख रहे हैं? मैं अभी पता कर लेता हूँ राजा जी। राजकुमार सिर्फ उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने पूरी शाम उसके साथ ही गुजारी, अब तो आधी रात हो रही है, उससे नजर ही नहीं हटा पा रहे। कौन है ये लड़की? क्या आधी रात हो गई? हाँ हो गई, कोई परेशानी है? हाँ हो सकती है। अरे रुको, क्या हुआ? ठीक है ना सब?
वो लड़की कौन थी बेटा? पता नहीं पिताजी, और उसने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, मगर मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। नमस्कार मैडम, प्रिंस को उस लड़की की तलाश है जिसकी ये सैंडल है। उस लड़की के मिल जाने पर वो प्रिंस उससे शादी करना चाहते हैं। ओ ये मेरी बेटियों में से एक का है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे गांव में हमने हर घर में ढूंढ लिया। आपका ये घर गांव का आखिरी घर है। ये सैंडल अभी तक किसी के पैर में नहीं आया है। मुझे खुशी है कि ये इस घर का है। आप अपनी बेटियों को बुलाइए। लड़कियों, तुम लोग यहाँ आना जरा। हाँ माँ। क्या आप कृपया इस सैंडल को पहन के एक बार दिखा सकती हैं? जरूर, हम में से कौन पहनेगा? दोनों में से किसी एक का है ये। अरे भूलो मत लड़कियों, ये तुम्हारा ही है, पहन कर देखो। ओहो, मैं भूल गई थी, ये तो दूसरी बेटी का सैंडल है। जी हाँ, क्या आप इसे पहन के देखेंगे? लगता है आपकी दोनों बेटियों में से किसी का नहीं है सैंडल। क्या कोई दूसरी लड़की भी है आपके घर में जिसके पैर में सैंडल पूरी तरह आ जाए? नहीं, यहाँ कोई और लड़की नहीं है। ठीक है मैडम, समय देने के लिए धन्यवाद। मैडम, क्या आपने राजा के आदमियों से झूठ बोला था? मालूम है ये राजा से झूठ बोलने का सामान है। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोला। तो वो खिड़की पर कौन सी लड़की खड़ी है? वो कोई नहीं है। आप पीछे हटिए मैडम, और उस लड़की को एक बार कोशिश करने के लिए बुलाइए। मगर वो मैं क्या ये राजकुमार है? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। पीछे हटिए मोहतरमा। मोहतरमा, क्या आप मेरे लिए ये सैंडल एक बार पहन सकती हैं? जी हाँ राजकुमार। मुझे पता था आप ही हैं, मुझे यकीन था मैं आपको ढूंढ लूंगा। मुझे लगता है हमको उनके पीछे चलना चाहिए। मुझे इन गंदे लोगों के साथ नहीं रहना। मुझे भी यही लगता है। महल चलते हैं, जमीन पर पहियों के निशान देख लेंगे। मोह देखो, वो जाना पहचाना लग रहा है ना? तुम्हें लगता है वो हमें घर ले जाएगा वापस? कोशिश करें क्या? हाँ चलो चलें। अरे वाह, हम घर वापस आ गए। क्या तुम सही हो? हाँ मैं सही हूँ, तुम सही हो? मैं भी सही हूँ, मुझे खुशी है। मगर अब आगे से किसी और गड्ढे में नहीं जाएंगे। मैं भी मानता हूँ, चलो अब घर चलते हैं। मो और जो बाजार में घूम रहे थे। मो, इन चीजों को देखो, क्या तुमने इनको पहले कभी देखा है? देखो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चीजें भी हो सकती हैं। ये लोग कौन हैं? ये अलग अलग देशों से आए व्यापारी हैं। उस लैंप को देखो जो। हाँ, लेकिन उससे पहले वो रेड हुड तो देखो।
क्या तुम इसे पहनना चाहोगी मो? हाँ जरूर, इसे पहनकर देखती हूँ। अरे नहीं बच्चों, तुमने ये क्या कर दिया? उतारो इसे जल्दी, अभी। अरे ये क्या हो रहा है, मैं नहीं उतार पा रही। मो, तुम गायब हो रही हो। ये क्या हो रहा है, हम कहाँ आ गए? ये क्या किया? ये टोपी लिटिल रेड राइडिंग का हुड है और अब हम उसके समय में पहुंच गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? उस घर के अंदर देखो, वो लिटिल रेड राइडिंग हुड का घर है। जंगल पार करने के बाद उसका घर था। उसकी माँ ने उसके लिए एक रेड हुड बनाया था जो उसे बहुत पसंद था और वो उसे हमेशा पहन कर रखती थी, इसीलिए लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। इस टोकरी में ताजी ब्रेड है, मैंने तुम्हारी नानी माँ के लिए बनाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम नानी माँ को दे आओ। अच्छा माँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना। ठीक है माँ। छोटी बच्ची, कहाँ जा रही हो तुम? श्रीमान भेड़िए, मैं नानी माँ के पास जा रही हूँ, वो रास्ते के दूसरे छोर पर रहती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये लड़की भी अकेली है और उसने नानी माँ के घर का पता भी बता दिया है। आज मैं इन दोनों को खाऊंगा। मुझे दूसरा रास्ता पता है। मैं लड़की से पहले ही पहुंच जाता हूँ। अरे नहीं, लिटिल रेड राइडिंग हुड भूल गई अपनी माँ की बात, रास्ते में अनजान व्यक्ति को सारी बात बता दी। चलो, इसके पहुंचने से पहले हमें पहुंचना होगा। ये क्या हो रहा है, मैं कुछ भी छू क्यों नहीं पा रही? ये हमारा वक्त नहीं है, हम गुजरे हुए कल में आ चुके हैं। हम यहाँ कुछ नहीं बदल सकते, सिर्फ हम देख सकते हैं। चिप जाओ मो, भेड़िया इसी तरफ आ रहा है।
नमस्ते नानी माँ। जीती रहो बच्ची, कैसी हो? अरे नानी माँ, आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए? ओह, ये आपके साथ क्या हुआ? मेरी बच्ची, ताकि तुम्हारी मीठी बातें सुन सकूं। अरे नानी माँ, आपकी इतनी बड़ी आंखें? इसलिए ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊं। अरे नानी माँ, आपकी तो नाक भी लंबी हो गई। ताकि तुम्हारी खुशबू अच्छे से सूंघ सकूं। अरे नानी माँ, इतने बड़े दांत आपके? मैं तुम्हें अच्छे से खा पाऊं छोटी बच्ची। बचाओ, बचाओ! मत घबराओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शुक्रिया भगवान, लकड़हारा सही वक्त पर पहुंच गया। हाँ, लेकिन हम अपने वक्त में कैसे लौटेंगे? अब तो लिटिल रेड राइडिंग हुड भी अपने घर चली गई। देखो, हम आ गए। हाँ, अब मेहरबानी करके जल्दी से मेरा रेड हुड वापस कर दो। हाँ बिल्कुल, ये रहा, ले लीजिए। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। बाय बाय। हाय, मैं मू हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।